अगर आपके पेशेंट को पेन हो रहा है तो आपको जब तक ये एहसास नहीं होगा कि उसको दर्द हो रहा है तब तक आप उसको सुनेंगे नहीं. एग्जैक्टली. तो आपका रद्द अमल क्या होता है? देखिए, हमारे पास तो जब पहले पेशेंट आता है तो ये हमारा मेडिकल का असूल होता है कि हमें असेसमेंट करनी होती है. उस असेसमेंट में हमें उसकी मॉरल वैल्यूज़ भी देखनी होती हैं, उसका प्रोफेशन देखना होता है, मतलब ओवरऑल हमें उसकी पर्सनैलिटी. मतलब आप पूछते हैं कि वो क्या करते हैं और exactly, ये हमारे पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट होता है. कॉलेज और यूनिवर्सिटी माशाल्लाह से आपने इतना कुछ पढ़ लिया और आगे बढ़ती गई, कभी मोहब्बत हुई आपको? टाइम ही नहीं मिला. ये तो एक बड़ा ये सियासतदानों वाला आपने जवाब दिया. जिंदगी में कभी तो मोहब्बत हुई होगी, हम नाम नहीं पूछेंगे, बस बता दे हुई या नहीं हुई. इंटर तक तो हमारा था ही नहीं, कोई लड़कों से कोई इंटरेक्शन ही नहीं था. जब मेडिकल कॉलेज में गए तो मेरे फादर खुद भी जेपीएमसी में होते थे. अच्छा. तो फादर उधर होते थे, कॉलेज वहाँ होता था. बिल्कुल, तो फिर हिम्मत ही नहीं हुई. हिम्मत ही नहीं हुई ये बात सोचने की भी कि अब्बा की नजरे जो है ना वो कॉलेज में भी घूमती हुई. बिल्कुल, ऑब्वियसली. और फिर आप पे भी घूमती होंगी. मुझे ये बताइए, शादी आपने की लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है. टोटल अरेंजमेंट. टोटल अरेंजमेंट. देखा भी नहीं था? नहीं देखा. हम राने राने है ना, राने राजपूत. अरे राजपूत सब बैठे हुए हमारे सामने. तो हमारे यहाँ तो ये होता है कि शादी के बाद चेहरा देखा जाता है. सही. तो...